नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देहरादून में हुई त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक, कोरोना पर सैंपलिंग बढ़ाना रहा अहम मुद्दा, प्राइवेट लैब का भी लिया जाएगा सहयोग। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से की बात, लॉकडाउन पर लिया फीडबैक, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बातचीत में हुए शामिल। उत्तराखंड में प्रवासी मजदूरों का आना जारी, मजदूरों की घर वापसी से बड़ा कोरोना केस, सीएम त्रिवेंद्र ने दी जानकारी। रुद्रप्रयाग में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में बड़ी लापरवाही, रेड जोन से आए लोगों को रखा गया साथ, सेंटर के अंदर पंखे की भी व्यवस्था नहीं। रुद्रप्रयाग जिला में अस्पताल की बदलेगी सूरत, प्राइवेट अस्पताल की तरह होगा कायाकल्प, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। राजधानी देहरादून में बारिश शुरू होने के साथ मौसम हुआ सुहावना, तापमान में गिरावट आने से लोगों को मिली राहत। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। देहरादून में त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें कोरोना को लेकर विस्तार हुई है। बैठक के दौरान सैंपलिंग बढ़ाने पर जोर दिया गया है और कोरोना की जांच के लिए प्राइवेट लैब का सहारा लेने की सहमति बनी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई जिलों में रेड जोन भी शामिल है। आपको बता दें, साथ ही साथ इस बात पर सभी को सहमति बनी है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का वेतन ना काटा जाए, लेकिन कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने की बात कही गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि स्टेट ऑफ केसेस बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्द ही रुक जाएंगे, क्योंकि जो भी केसेस हैं वो प्रवासियों के वापस आने से बढ़ रहे हैं, इसलिए वो नियंत्रण में हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जहां तक बाजारों का समय बढ़ाने का मसला है, दिन में गर्मी बहुत होने लगी है, गर्मी के कारण लोग बीमार हो सकते हैं। भारत सरकार ने भी शाम 7 बजे तक का समय निर्धारित किया है। उन्होंने कहा है कि अगर दुष्प्रभाव दिखाई दिया तो निर्णय वापस भी लिया जा सकता है। देखिए, संक्रमण संक्रमित लोगों के आने से बढ़ा है, और इसलिए हमने जो अपने अस्पताल हैं वो हमने पहले से हमारी तैयारी थी, और जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये अपेक्षित था पहले से। हमको लगता था कि ऐसा होगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे लोग जो महानगरों में रह रहे हैं और उन महानगरों की जो हालात है, उससे संभावित था। लेकिन ये बीमारी ठीक हो रही है, हमारे डॉक्टर उसको ठीक कर पाने में सफल हुए हैं, और इसलिए हमको भरोसा है कि वो थोड़ा बहुत अस्वस्थ भी होंगे तो दवाई लेने से फिर ठीक हो जाएंगे, सावधानी से वो बच सकते हैं। फिर भारत सरकार ने भी जो समय निर्धारित किया है वो शाम के 7 बजे तक का ही निर्धारित किया है, तो उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। लेकिन हम शुरू से एक बात कह रहे हैं कि ये जो बीमारी है, जो कोरोना वायरस है, और उसके जो अभी तक जो उसका प्रभाव देखने में आ रहा है, वो एकदम डायनामिक है, कभी भी और कई तरह के रूप उसके बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो भी जनहित में होगा वो निर्णय लिया जा सकता है। माना 7 बजे तक का है, अगर ऐसा लगता है कि उससे कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो उसको वापस भी लिया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी सामान्य स्थिति हो इस दृष्टि से कि पूरे देश में जब 7 बजे तक मार्केट खुल रही है तो हमको भी खोलना चाहिए। लोगों की डिमांड भी थी, व्यापार मंडलों ने भी हमको लिख के दिया कि इसको 7 बजे तक खोल दिया जाए तो ज़्यादा उचित होगा। डोईवाला के रहने वाली एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद उस एरिया को सील कर दिया गया जहां वो रहती थी। बता दें कि कुछ समय पहले महिला के पति का एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऋषिकेश के एम्स में भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि महिला एम्स में आया जाया करती थी और वहीं संक्रमित हुई है। फिलहाल महिला के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। जी, हमारे ग्राम सभा में एक महिला पॉजिटिव पाई गई थी,
25 तारीख को का सैंपल लिया गया था, पॉजिटिव पाई गई वो, तो उसके लिए हमने बैरिकेडिंग लगा दी है यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, और उनके घर के जो परिवार के सदस्य हैं उनको क्वारंटाइन कर दिया है, और जो पॉजिटिव पाई गई महिला थी उसको दोनों हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। रुद्रप्रयाग में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों का हाल बुरा हो गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ रेड जोन से आए लोगों को सामान्य लोगों के साथ ही रखा जा रहा है, जिससे बीमारी के बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही साथ सेंटर में पंखा और बत्ती हमेशा गुल रहती है, जिससे क्वारंटाइन किए गए लोग परेशान हो गए और दहशत में जीने को मजबूर हो गए। जिलाधिकारी महोदया ने उसे वार्ता भी है, उन्होंने एक आदेश भी किया है कि बाहर से जो भी आएंगे रेड जोन से उनको होटल में ही क्वारंटीन किया जाएगा, और जो थोड़े से कम जोन रेड जोन के से आएंगे कंटेनमेंट एरिया के बाहर के आएंगे तो उनको हाइब्रिड या होम क्वारंटीन के लिए एडवाइस किया जाएगा। ऐसे लोग जो रिस्क में हैं उनको साथ में रखा गया है, उसको मैं दूर करूंगी, आपने संज्ञान में ला दिया है, हम देखेंगे इसको। साथ में हाइब्रिड क्वारंटीन में जो बहुत लंबे समय से लोग रह रहे हैं, यदि 14 दिन उनके पूरे हो जाते हैं तो उनको उनके घर में होम क्वारंटीन किया जा सकता है। ये प्रयास हम लोगों का रहेगा ताकि जितनी उपलब्ध हमारे पास संसाधन है, जितने पंचायत घर या इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हैं, उनका हम लोग यथासंभव ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के लिए यूज करें जो लोग रिस्क एरियाज। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। इस दौरान डीएम ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों की तर्ज पर ही जिला अस्पताल की रूपरेखा भी तैयार करी जाएगी और जल्द ही इसकी सूरत भी बदल जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि जिला अस्पताल में इक्विपमेंट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन अस्पताल में फर्नीचर के साथ बहुत सी चीजें बदलने वाली हैं जिन्हें जल्द ही बदल दिया जाएगा। नैनीताल हाई कोर्ट में देहरादून के रोलक संस्था ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उत्तराखंड सरकार के चारधाम देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता ने जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून की तिथि नियत की गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में हुई है। मामले में देहरादून की रौलक संस्था ने अपने को पक्षकार बताते हुए प्रार्थना पत्र दिया है। संस्था का कहना है कि सरकार द्वारा पारित चारधाम देवस्थानम एक्ट सही है और जनहित में बोर्ड द्वारा ही मंदिरों की देखभाल करनी चाहिए। के देहरादून की तरफ से इंटरवेंशन फाइल की है और उस इंटरवेंशन में हमने कोर्ट के सामने ये रखा है कि ये एक्ट बिल्कुल सही बनाया गया है और किसी भी तरीके से किसी भी हिंदू रिलीजियस एक्टिविटी को ये एक्ट हैम्पर नहीं करता है। आर्टिकल 25 के क्लॉज 1 में ही साफ लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट बाई एक्ट एनी सेकुलर एक्टिविटी ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मैनेज करना चाहे तो वो कर सकती है। सीमांत क्षेत्र के खटीमा केलपुरा रेंज में मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने घेराबंदी करके जंगलों में अवैध शीशम का कटान करते 6 तस्करों की लकड़ी के सहित गिरफ्तार कर लिया है। वन क्षेत्राधिकारी नक्षत्र शाह ने बताया है कि गश्त के दौरान केलपुरा रेंज के इलाके में वन तस्करों अवैध बेशकीमती लकड़ी का कटान करते वक्त तस्करों को गिरफ्तार करके वन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। वह मामले में जांच भी जारी है और जो भी मुख्य आरोपी है पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मुखबिर की सूचना के आधार पर हमें ये पता चला कि बनबूढ़ा नदी के आसपास अवैध शीशम का कटान हो रहा है और हम मौके पे गए और हमने उन 6 लोगों को हिरासत में लिया है और
इनके ऊपर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के आदेश अनुसार बाजपुर क्षेत्र कोसी नदी में अवैध खनन मामले पर कई दिनों से खनन अधिकारियों और राजस्व विभाग टीम की छापामारी लगातार चल रही थी, लेकिन अधिकारियों से आंख मिचौली खेलते हुए खनन माफिया बेखौफ होकर रोजाना सरकार को लाखों का चूना लगा रहे थे। जहां तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान ने टीम के साथ खनन क्षेत्र में छापेमारी करी, अधिकारियों की जानकारी मिलते ही खनन माफियाओं में हड़कंप सा मच गया, अपने अपने वाहनों को लेकर भागने लगे, लेकिन छापेमारी में उपखनिज ने लिप्त एक डंपर को पकड़ा है। तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान ने बताया कि खनन क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ रात दिन छापेमारी की जा रही है, अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई करी जाएगी। आज जो कार्रवाई, एक डंपर पकड़ा गया है बाजार घाट के सामने, उसको पकड़ कर ला रहे थे, उसने ड्राइवर ने जबरदस्ती कोसी नदी में गलत रास्ते में डाल कर फंसा दिया गया, उसको निकालने की तैयारी की जाए, कंडक्टर क्लीनर को उसको यहाँ पकड़ कर पुलिस चौकी में सुपुर्द कर दिया गया, यदि वो ले आएंगे अपना डंपर निकलवा के तो उनको छुड़वा दिया जाएगा। सितारगंज के बवनपुरी गांव के पास हिटकुल मार्ग पर महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची आपातकालीन 108 सेवा ने शव को अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और महिला की शिनाख्त की जा रही है। बवनपुरी क्षेत्र से 108 के द्वारा लाई गई है और जब हमारी 108 की टीम वहां पहुंची है तो इनके परिजनों वगैरह की और एसपी अभी प्राप्त नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस पहुंच गई है, उनका पंचनामा भरा जा रहा है, पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और जो भी वास्तविकता वो सामने आएगी। नेपाल के काठमांडू में लॉकडाउन के दौरान कुछ भारतीय फंसे हुए हैं, उन्हें भारत सरकार की सहायता से बॉर्डर पार करा दिया गया है और स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी को गृह जनपदों में भेजने का कार्य जारी है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे गुजरात के लोगों ने बताया कि लॉकडाउन में भारत सरकार द्वारा सभी को खान पान की व्यवस्था की गई थी, लेकिन नेपाल में फंसे भारतीयों को नेपाल सरकार ने किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं करी। काठमांडू में था 2.5-3 महीने से पहले से, फिर लॉकडाउन होने से मैं वहीं फंस गया, मेरे को इंडिया आना था लेकिन आ नहीं पा रहा था। फिर मैं 2.5 महीने से एम्बेसी में रोज मेल कर रहा था लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर एक दिन कॉल आया कि आप एम्बेसी के द्वारा बसें जा रही है तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, तो हमने कांटेक्ट किया। आया हूँ और गुजरात जाना है, मैं दर्शन करने पशुपति गया था और लॉकडाउन हो गया तो मैं वहीं फंस गया और फिर वहीं होटल में अपने खर्चे से रहा था। उधर नेपाल गया, वहाँ एम्बेसी से बात की तो बोले यहाँ की सरकार नहीं करेगी, तुमको खुद को ही करना होगा। तो इंडिया सरकार ने वहाँ से हमको एम्बेसी द्वारा इधर बुलाया है और यहाँ से कुछ सरकार अच्छी सुविधा। लॉकडाउन की अगर बात करें तो प्रवासियों का सिलसिला आने जाने का शुरू है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ भारत नेपाल पिलर नंबर 7 पर। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ प्रशासन के सभी लोग हैं, भारतीय जो काठमांडू में फंसे हुए थे नेपाल में, जो इस रास्ते से जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, मेरे साथ पुलिस क्षेत्र अधिकारी पंजी हैं, इनसे बात करते हैं कि कितने भारतीयों का यहाँ से आवाजाही हो चुकी है और कब तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। ये पिछले 2-3 दिन से जब से यहाँ पर भारत नेपाल का बॉर्डर खुला है, इस दौरान हमारे करीब 7-8 हज़ार नेपाली यहाँ से नेपाल जा चुके हैं भारत से, और करीब 500-600 इंडियंस भारत के यहाँ प्रवेश कर चुके हैं। इस संबंध में इनको जो भारत में प्रवेश कर रहे हैं उनका हम मेडिकल स्क्रीनिंग करा रहे हैं और उनको प्रॉपर सर्टिफिकेट दे के इनको यहाँ से गंतव्य स्थानों के लिए बसों को कंटिन्यू। सर भारतीयों की बात करें तो कहाँ कहाँ के लोग हैं? भारत के यहाँ गुजरात और हिमाचल प्रदेश और अन्य उत्तर प्रदेश के और अन्य स्थानों से नागरिक यहाँ पर आ रहे हैं। सर प्रशासन की अगर बात करें तो कब तक चलेगा ये मामला? अभी तो कोई इसके लिए स्पष्ट नहीं किया गया है और 2-3 दिन क्या तो अभी खुलाई है, उसके बाद आगे क्या होगा इसकी जानकारी अभी हम पता करके। पिछले 2 दिनों से यहाँ बॉर्डर के द्वार खुले हुए हैं आने जाने के लिए,
प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं मिली है, लेकिन जब तक खुला है बॉर्डर तब तक भारतीयों का आना जाना और नेपालियों का आना जाना जारी है। जिनको भी है उनको अपने घर सुरक्षित भेजा जा रहा है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, नेपाल बॉर्डर। बागेश्वर में कोरोना संक्रमण महामारी के कारण विभिन्न राज्यों से वापस आ रहे प्रवासियों को क्वारंटीन किया जा रहा है। इन प्रवासियों को किसी प्रकार से खाने पीने और रहने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने सभी उपजिलाधिकारियों, नोडल अधिकारियों और जिला पंचायत राज अधिकारी को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दे दिए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि क्वारंटीन किए गए प्रवासियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो सके, इसके लिए जो जिम्मेदार एवं दायित्व सौंपे गए हैं उन दायित्वों का निर्वहन निष्ठा एवं कुशलता के साथ किया जाए। किसी प्रकार की कोई शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं, कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं, सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रमाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉनस्टॉप कवरेज जारी है। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मंगलौर नारसन बॉर्डर पर आ रहे प्रवासियों की परेशानी को देखते हुए आरएसएस ने शिविर लगाया है। सुबह नाश्ते से लेकर रात्रि भोजन व्यवस्था स्वयं सेवकों द्वारा की जा रही है। छोटे बच्चों के लिए दूध आदि की व्यवस्था भी संघ कार्यकर्ता नियंत्रण कर रहे हैं। बॉर्डर क्षेत्र पर खाने पीने की व्यवस्था न होने के कारण प्रवासियों को भूखे प्यासे भटकना पड़ता था। उनके इस परेशानी को देखते हुए आरएसएस ने रसोई की शुरुआत करी है। क्षेत्रीय प्रचारक पदम ने बताया कि 23 मई से रसोई की शुरुआत की गई थी और इस रसोई के माध्यम से प्रवासियों को सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात्रि का खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जब तक बॉर्डर पर प्रवासियों की भीड़ रहेगी तब तक नियंत्रण ये रसोई चलती रहेगी। से प्रवासियों का अपने राज्य में आने का क्रम शुरू हुआ तो बॉर्डर पर काफ़ी अव्यवस्था थी। लोग काफ़ी देर तक धूम में खड़े होते थे। अपने कार्यकर्ताओं को ध्यान में आया कि ये प्रवासी अपने ही हैं, इन सबको कष्ट, ये हमको कष्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ रुड़की के कार्यकर्ताओं ने बैठ कर तय किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और यहाँ के SDM के साथ बैठ कर बात की। मेन रोड से यहाँ शिफ्ट कराया गया ये शिविर और यहाँ आकर के 23 तारीख से ये शिविर हमने शुरू किया है। के न्यूज की लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। के न्यूज के दर्शकों का अपार प्यार मिल रहा है और आम आदमी के साथ साथ पुलिस अधिकारी भी के न्यूज की प्रशंसा कर रहे हैं। लॉकडाउन में के न्यूज ने ग्राउंड जीरो से छोटी बड़ी खबरें दिखाई थी। के न्यूज के रिपोर्टर कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी में भी खबरें लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। के न्यूज लगातार जनता को कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाने के लिए लगातार जागरूक भी करता रहा है। इसको देखते हुए मंगलौर क्षेत्र के निवासियों ने के न्यूज का आभार व्यक्त किया है और प्रशंसा करी है। के न्यूज भी जनता को विश्वास दिलाता है कि के न्यूज उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और पल पल की खबरों से उनको रूबरू कराता रहेगा। के न्यूज लोगों से अपील करता है कि सरकार द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और घरों में रहें, क्योंकि सुरक्षा ही कोरोना जैसी महामारी से बचने का उपाय है। 22 मार्च को जो लॉकडाउन लगा उसमें जो राष्ट्रीय चैनल थे वो लगातार अपने बड़े बड़े शहरों की खबरें दिखा रहे थे। अब हमें चिंता होती थी कि हमारे छोटे शहर को, जो मंगलौर एक बहुत बड़ा छोटा सा शहर है,
एक कस्बा है, उसकी खबर कैसे हम तक पहुंचे? हम तो घरों में कैद हो चुके थे, तो उसमें के न्यूज़ बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है इस चैनल ने, और खुसूसन इसके रिपोर्टरों ने जो भी रहे हों, बड़ी अच्छी इन्होंने खबरें हम तक पहुँचाई। और मैं बहुत ही अपने हार्दिक धन्यवाद देता हूँ के न्यूज़ का और उनके रिपोर्टरों का कि वो किसी कोरोना योद्धा से कम ना हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ तो पुलिस को, स्वास्थ्य विभाग को या जो हमारे स्वास्थ्य सफाई कर्मचारी के उनको कोरोना वॉरियर्स की उपाधि पब्लिक द्वारा दी जा रही है। असल में मीडिया भी इसकी बराबर के हकदार है, जिसने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया और पब्लिक को कोरोना के संबंध में अवेयरनेस किया, जागरूक किया, घर घर तक कोरोना के कैसे बचा जा सकता है कोरोना से, या कौन सी पब्लिक सफ़र कर रही है इससे उन तक मदद कैसे पहुंचाई जा सके, इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को पब्लिक के बीच में घुसकर आप लोगों द्वारा काम किया गया। रियल में आप एक जो के न्यूज़ है, बहुत पॉजिटिव इसका काम रहा पूरे कोरोना के दौरान और अभी भी लगातार काम करी, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद की बात। मंगलौर में आज सुबह से अचानक हुई तेज बारिश के बाद मौसम ने तेजी से करवट बदल लिया है। जहां एक तरफ भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, अचानक हुई बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना हो गया है, जिससे लोगों को राहत भी मिली है। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि खेतों को जो इस वक्त सिंचाई की जरूरत थी वो अब कम पड़ेगी। गर्मी जो बहुत ज़्यादा 3-4 दिन से गर्मी हो रही थी, उससे बहुत निजात मिली है और ये बहुत फ़ायदेमंद बारिश है। इससे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं लोग, गर्मी से राहत मिल गई है और ये जो बारिश है ये खेती के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। लॉकडाउन 5 को लेकर गृह मंत्रालय का मंथन जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से चर्चा करी है, साथ ही लॉकडाउन 4 के बारे में जानकारी ली और स्थितियों पर मंथन किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का मंथन, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात, क्या देश में लागू होगा लॉकडाउन 5, क्या होगी आगे की रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉकडाउन 4 पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने लॉकडाउन 4 को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विचार जाने। अमित शाह ने लॉकडाउन 4 के वर्तमान हालत पर चर्चा करी। गृह मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 31 मई के बाद लॉकडाउन पर उनके राज्यों की क्या राय है और आगे क्या सोचते हैं, इस पर उनके विचार जाने। बता दें कि लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है, क्या देश में लॉकडाउन 5 लागू होगा, फिलहाल सबकी नजर इस पर है। हालांकि सरकार का लॉकडाउन 5 पर मंथन जारी है। लॉकडाउन 4 के खत्म होने के पहले ही लॉकडाउन 5 की आहट सुनाई देने लगी है। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। सूत्रों का कहना है कि मन की बात में पीएम मोदी बहुत कुछ साफ कर सकते हैं। वैसे सूत्रों का यही कहना है कि 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का बढ़ना लगभग तय है। सरकार ज्यादा छूट देकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन जो जिले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उन्हें इस बार भी राहत मिलने की उम्मीद कम है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 5 में 11 शहरों पर सख्ती जारी रहेगी। ये वो शहर है जहां कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। जिन शहरों में पाबंदी जारी रह सकती है वो है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत, कोलकाता। इन 11 शहरों में भारत में कुल कोरोना संक्रमित केस के 70% मामले मिले हैं, जबकि अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, कोलकाता और मुंबई में ये और भी खतरनाक है। यहाँ देश के कुल मरीजों की 60% लोग पाए गए हैं। लॉकडाउन के 5वें चरण में केंद्र की ओर से धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दी जा सकती है, लेकिन नियम और शर्तें लागू रहेंगी। लॉकडाउन 5 के दौरान सभी जोन में सैलून और जिम खोलने की इजाजत दी जा सकती है। सिर्फ कंटेनमेंट जोन छोड़कर बताया जा रहा है कि शादी और अंतिम संस्कार में कुछ और लोगों को शामिल होने की छूट दी जा सकती है। फिलहाल गृह मंत्रालय के रवैये से ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन 5 की तैयारी है, लेकिन वो कुछ शर्तों के साथ आ सकता है। अब देखने वाली बात यही होगी कि मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद गृह मंत्रालय क्या निर्णय लेता है। नेक्स्ट रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।